नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सरकार पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि सरकार के मंत्री एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हैं। बोले ये सबसे विवादित सरकार है, अफसरों को भी समझ नहीं आ रहा है कि वे किसकी सुने और किसकी नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज मुख्यमंत्री को खुद चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर मेरे जैसा मुख्यमंत्री होता तो शाम को ही बता देता कि मुख्यमंत्री की पावर क्या होती है। वहीं नशे को लेकर के भी सरकार पर कई कटाक्ष किए। उन्होंने दादा गौतम को लेकर के दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा। कहा जिसने बनाया था दादा उसी ने दिया था आशीर्वाद। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि जेजेपी में जुड़े हैं सभी स्वार्थी लोग। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि आने वाले समय में 8 विधायकों के साथ साथ उनकी भाभी भी जेजेपी का साथ छोड़ सकती है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। लेकिन 2 महीने में ही सरकार जो हाशिए पे आकर के खड़ी हो गई। इस किस्म के हालात हो गए कि आम आदमी नहीं अधिकारी भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हम किसकी बात को भरोसा करें, चीफ मिनिस्टर पे करें, मिनिस्टरों पे करें। हर आदमी अपने आप को भयभीत महसूस कर रहा है अधिकारी जो कि पता नहीं कल किस तरह के फैसले सरकार में आए। हमने नए सिरे से हमारा अपना संगठन कैसे मजबूत हो इसके लिए और वहीं सरकार की बेकायदियां लोगों तक ले जाएंगे इसके लिए आज कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। फतेहाबाद से शुरुआत करिए, ये लगातार अगले 19 तारीख सब जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जहां किसान की लड़ाई लड़ेंगे वहीं नशा जो है पूरे प्रदेश आज वाम फैलाने। मैंने इस नशे को लेकर के विधानसभा में 2-3 दफा अलग अलग सेशन के दौरान इस बात को लेकर के सरकार को चेताया था कि नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से आश्वासन आता है लेकिन कोई अंकुश नहीं। अब हमने फैसला किया कि इसके खिलाफ पहले लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे फिर लड़ाएंगे। लेकिन आपने जेपी है केंद्रीय मंत्री पुराने उनको आपके जो अभी आप बयान दे रहे हैं नशे को लेकर के उस पर विवादित बयान दिया है, कहा है कि चौटाला परिवार खुद ही संलिप्त है इस मामले में पूरे तस्करी के अंदर एडिक्शन में। तो मुझे लगता है कि जयप्रकाश उस वक्त नशे में ना हो ये बयान जब दे रहा हो क्योंकि वो हमारे साथ बहुत लंबे टाइम तक रहा है और हमने इन सब चीजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। आज भाजपा जो है सीएए को लेकर समर्थन यात्रा शुरू कर रही है, किस चीज को लेकर? सीए नागरिक संरक्षण बिल को। नागरिक भाजपा के पास वो तो मुद्दा है कैसे लोगों को लड़ाया जाए, कैसे लोगों को बांटा जाए। पहले इसके लिए कानून बनाती है और फिर जब लोग विरोध करते हैं तो लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए भाजपा अपना नए सिरे से अभियान चलाने की बात करती है। गठबंधन की सरकार है, प्रधानमंत्री का कोई बयान है, गृह मंत्री का कोई बयान है, पहले वो आपस में अपना संयम बनाए दूसरे एक दूसरे। गौतम जी को लेकर के आपने बात कही, दादा गौतम छोड़ने चले गए अभी और भी कुछ जाने वाले हैं क्या? गठबंधन सत्ता में आने से पहले हुआ करते हैं ये लोग। पहले तो इनके जितने भी बयान आप देखते हैं बीजेपी के चाहे जेजेपी के, हर बयान में ये एक दूसरे ने कहा है कि हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे, कस्में तक खाई है लोगों के सामने। लेकिन ये गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थ बंधन है। बीज और मुख्यमंत्री के विवाद सुर्खियां बटोर रहा है जी लगातार, अभी और आएगा। पहले 5 वर्ष में भी बीजेपी का शासन था और अब फिर बीजेपी का बीजेपी के साथ जनता का गठबंधन की सरकार बनी। इस 2 महीने में जिस तरह की परिस्थितियां प्रदेश की हुई है उससे लगता नहीं कि प्रदेश में कहीं कोई नई सरकार का गठन हुआ है।
यहाँ तो पिछले दो महीने में इस बात को लेकर के आपस में बयानबाजी चल रही है कि कौन सरकार में ज्यादा मजबूत है। अधिकारी जितने भी हैं वो सारे इस ससोपंज में है कि हम इसकी बात को माने, इसके आदेश को आगे बढ़ाएं। ये लगातार रोजाना अखबार की सुर्खियां हैं। जब भी सुबह अखबार पढ़ते हो, रात को टेलीविजन खोलते हो, तो सरकार के मंत्रियों के आपसी विवादों भरे बयान देखने और सुनने को मिलते हैं। किसी भी व्यक्ति से जब चर्चा करते हो तो हर व्यक्ति एक ही बात करता है कि हमने आज तक इस तरह की कंट्रोवर्सी सरकार के अंदर आपस में नहीं देखी। यहां तो मंत्रियों का मुख्यमंत्री का तालमेल भी नहीं है, एक दूसरे को नीचे कैसे दिखाया जाए इस पर उनको लगे हुए। प्रदेश में सरकार नाम की चल नहीं, आज उसकी वजह से किसान भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, गरीब आदमी भी परेशान है, और आज माफिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो कोई कानून से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई धान घोटाले को लेकर के है, चाहे कोई नशा का व्यापारी है, आज उन लोगों की तो मौज होगी, आम आदमी पिछले लग गया। आज प्रदेश के अंदर जहां किसान दुखी और परेशान है, वही गांव और शहर के अंदर हर माँ बाप इस बात से दुखी है कि इस सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में नशे का प्रचलन बढ़ा है। तो हमारे साथी हमसे चले गए, अगर कोई साथी आज इस बात को लेकर के महसूस कर रहा हो कि मेरे से गलती हुई, तो उसको 100% गले लगाने का काम करो। आप रोज अखबार पढ़ते हो, रोज नए नए लोगों के बयान आते हैं, अध्ययन नहीं आते हैं, जिसको दादा बनाया था उसने दे दिया ना आशीर्वाद, दे दिया कि नहीं दे दिया, मान के चलो। मुझे तो यहां तक भी डर है, लोग तो आठ की बात करते हैं, मुझे लगता है कि घोड़ अलग जाएंगे, नहीं एक लाइन आ रहे, मुझे लगता है भराड़ी पार्टी भी छोड़ जाएगी। क्योंकि सब स्वार्थ से भरे हुए हैं, सबका अपना लालच है। अभी इसकी शुरुआत है, 9 वर्ष में आप देखना आने वाले 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में कई दादा गौतम निकलेंगे इस पार्टी से। केवल इस पार्टी से नहीं, जो सत्ता में 5 वर्ष रहे थे, आज उनमें भी आपस में बहुत बड़ी खिंचातान है। अनिल विज जो है रोजाना अखबारों में बयान देते हैं, रोज अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री को सीधा चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि मेरे महकमे में मुख्यमंत्री की किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। अगर मुख्यमंत्री की इंटरफेरेंस नहीं होगी, फिर तो हर मिनिस्टर अपने अपने महकमे का मालिक बनकर के बैठ जाए, फिर तो मान के चलो कि मुख्यमंत्री के पद की जरूरत ही नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र जो है बहुत बड़ा होता है। मुख्यमंत्री तो ये तो मनोहर लाल बेचारा शरीफ आदमी है, कमजोर आदमी है, मेरे जैसा हो तो इसको शाम को बता दे मुख्यमंत्री के। जैसे ही सेशन में मुझे बोलने का मौका मिला, तसल्ली कराई कि नहीं कराई? अब फिर सेशन आ रहा है 10 तारीख को,
दस को फिर टीवी देखना, दस को फिर एक बार दस लेकर रामराई की विधानसभा में तसल्ली कराऊं, वहां बार आप लोगों की एक बड़ी जिम्मेवारी है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए।